लोकप्रिय विधायक माननीय मेजर सुनील जी, यहाँ के माननीय जिलाधिकारी संजय जी, पुलिस अधीक्षक मीणा जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गुप्ता जी, CDO साहब, मंच पर आसीन यहाँ के वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी अधिकारीगण और आसपास के क्षेत्र के सभी नागरिक बंधुओं, सबसे पहले मैं माफी मांगूंगा क्योंकि जो थोड़ा विलम्ब से आया, थोड़ा ही नहीं ज्यादा विलम्ब हुआ, क्योंकि कुछ रास्ता गड़बड़ और कुछ बताने वाले गड़बड़, लेकिन फिर भी आप लोगों के दर्शन करने का मौका मिला, ये सौभाग्य है मेरा। साथियों, आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिव्यांगजनों को फ्री साइकिल दी गई है, उन महिलाओं को जो कि हमारा एक संस्कार, गर्भ संस्कार गर्भवती है, उनको गोद भरी गई है, और जो बच्चे 6 मास के अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, एक अन्न प्रक्षालन भी एक संस्कार है हमारे यहाँ, वो एक हुआ है। मित्रों, संस्कार जिंदगी में बहुत जरूरी है, शिक्षा से भी कहीं ज्यादा संस्कार जरूरी है। शिक्षा का चरण तो बाद में आता है, संस्कार गर्भ से होता है। अभिमन्यु हमारे इतिहास, हमारी पौराणिक इतिहास का एक उदाहरण है कि जिसने अपनी मां के गर्भ में ही वो विद्या सीख ली थी चक्रव्यूह तोड़ने की, जिसको अच्छे से अच्छे महारथ अधीरथी बाद में भी नहीं सीख पाए। यह एक संस्कार, गर्भ का संस्कार है, और बड़ी अच्छी पुस्तक भी लिखी है इस पर डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने, उसका भी अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करके उसका, उनके विचारों का वितरण होना चाहिए, क्योंकि एक संस्कार वो है जो आने वाली पीढ़ी को गर्भ से ही संस्कारित करता है। दिन प्रतिदिन कौन से मंत्र का उच्चारण उसे सुनाया जाए, यहां तक दिया हुआ है हमारे पौराणिक इतिहास में या संस्कारों की पुस्तकों में। अन्न का प्रक्षालन तब हो, यह भी एक संस्कार है, कितनी उम्र के बाद अन्न प्रक्षालन किया जाए बच्चे को, यह भी एक विधि विधान है। उन सब संस्कारों को जो विस्मृत हो चुके थे समाज में, सरकार के द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। दिव्यांग एक ईश्वर की वजह से कोई व्यक्ति है, लेकिन वो आत्मविश्वास से भरपूर हो, स्वावलंबन से भरपूर हो, इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। लेकिन अकेली सरकार से चाहे तो सब कुछ नहीं कर सकती। सरकार एक राजनीति या सरकार एक शक्तिशाली माध्यम है समाज सेवा का, लेकिन जब तक समाज और सरकार दोनों नहीं खड़े होते हैं, तब तक बहुत भारी परिवर्तन नहीं आता। यहां बैठे हुए कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसे ईश्वर की कृपा होगी जिनके ऊपर वो लोग होंगे, जो स्वयं अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से भी ऐसे वंचित लोगों को अपनी तरफ से ट्राई साइकिल या कुछ इस तरह से दे सकते हैं, या इस संस्कार देने के जो विधि विधान है उनको अनुष्ठान करा सकते हैं। उन सब से भी मेरी गुजारिश है मंच से कि वह समाज के व्यक्ति सरकार के साथ खड़े हो, समाज के साथ खड़े हो, तो इस देश में अभिमन्युओं की कमी नहीं होगी,
गर्व से ही बहुत सीख कर आगे बढ़ेंगे वो लोग। मित्रों, ये सरकार वो सरकार है जिसने पूरा परिदृश्य देश का बदला है, जिसने पूरा परिदृश्य प्रदेश का बदला है। पहले यह प्रदेश बड़ा पिछड़ा हुआ, कानून व्यवस्था के साथ साथ चौपट, व्यापारी यहां पे आने को तैयार नहीं थे। कानून व्यवस्था की चौपट थी कि हर रोज सड़क पर अपराध होते थे। अभी आगरा में कुछ माह पूर्व पूरे हिंदुस्तान के सोने चांदी के आभूषण बनाने वालों की एक एग्जीबिशन हुई और खुले एक शादी घर में हुई थी। वो विवाह घर का बहुत बड़ा इलाका क्षेत्र था, उसमें हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको उत्तर प्रदेश में आने में डर नहीं लगा? खुलेआम आपके आभूषण करोड़ों रुपए लाखों रुपए के बिखरे पड़े हैं, देख रहे लोग आते जाते, क्योंकि कभी हमारा प्रदेश बदनाम रहा है कि सड़क पर लोग सोने की चैन नहीं, नकली चैन पहन के निकलते थे कि कुछ छीन न ले। तो वो बोले अब ये योगी का प्रदेश है, यह विश्वास दिया है मेरे नेता ने इस प्रदेश को। एक और उदाहरण देना चाहूंगा इस मंच से। आगरा में एक सिराज कुरैशी इंडिया टुडे के बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं। उनका बेटा समीर कुरैशी राष्ट्रीय सहारा में पत्रकार। इस चुनाव से पहले, एक साल पहले, एक सर्वे कराया था राष्ट्रीय सहारा ने। तीन व्यक्तित्व दिए थे कि इनमें से कौन सा मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं आप लोग, सुश्री मायावती, अखिलेश जी और योगी आदित्यनाथ जी। हर वर्ग में, हर जाति में, हर बिरादरी में, हर लिंग में एक सर्वे की कराया था राष्ट्रीय सहारा। मुस्लिम समाज का था कुरैशी, वो था। तो उसने जब वो भर के आए सब पत्रक, तो उसमें मुस्लिम समाज को पलटा, उसमें महिलाओं में देखा तो 25 से 30 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर टिक किया। उसको उत्सुकता हुई, उसने देखा कि मेरी पत्नी ने क्या किया, ये देखूं जरा। उसका निकाला पत्रक, उसमें भी योगी आदित्यनाथ के नाम पर टिक था। उसने अपनी पत्नी को बुलाया, बोला क्यों तुम्हें, क्या तीन तलाक वाला मामला है इसलिए योगी आदित्यनाथ पर टिक लगाया है? और जवाब सुनने लायक है। उसने कहा, ना तो मैं सियासत जानती हूँ ना मजहब फतेह जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि इससे पहले जब मैं निकलती थी बाजार में, बाजार हाट के लिए जाती थी, ये चेन उतार कर नकली चेन पहन के जाती थी, इसी साथ में कोई बालक या कोई जेंट्स लेके चलती थी, कहीं छेड़खानी ना हो, कहीं छिनैती ना हो। आज जब योगी आए हैं तब से निर्द्वंद जाती हूँ, असली चीज पहन के जाती हूँ, कोई मालूम है ना तो छिनैती होगी ना छिड़खानी होगी, इसलिए लगाया है। तो ये दिया है मेरे नेता ने, इन्हें कलेवर बदल दिया प्रदेश का, सोच बदल दिया, संस्कार कैसे बदलता है। जब हमारे नेता मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो लाल किले की प्राचीर से जब पहला उद्बोधन उन्होंने किया था तो उन्होंने आह्वान किया था, स्वच्छ भारत का निर्माण चाहिए, सफाई हो, शौचालयों की सफाई हो, शौचालय बने। तो हमारे विरोधियों ने तंज कसा था कि हमने तो प्रधानमंत्री चुना था, सैनिटरी इंस्पेक्टर कहां से पहुंच गया? ये तंज किया उन्होंने मेरे नेता पर, हमारे प्रधानमंत्री पर। लेकिन आपने भी महसूस किया होगा बदलाव को। पहले वो पाउच कभी खाते थे या केले का खा के छिलका, चाहे जहां बिंदास फेंकते थे, अब फेंकते समय थोड़ा सा लगता है कि कोई जगह देखे कहां इसको डाला जाए, ये भाव अंदर से जागृत हुआ है मोदी जी के बाद। और
यदि किसी ने गलती से अपने नाती या लड़ बच्चे के सामने क्यों करके फेंका तो बच्चा बोलता है कि पापा ये क्या कर रहे हो, बाबा ये क्या कर रहे हो, मोदी जी ने तो ये बताया कि सही स्थान पर फेंको। आने वाली नस्लों को स्वच्छता का संस्कार दिया है मेरे नेता ने, ये परिवर्तन दिया पूरे देश। तो आज भी जनता का ये दरबार है, यहां पर भी दिव्यांगों के लिए उनको स्वावलंबी बनाना, आने वाले बच्चों को संस्कार देना, गर्भ में जो बच्चे हैं उनको संस्कार देना, यह एक प्रक्रिया है। इस समय नवदुर्गा के समय पूरे प्रदेश में रामायण सुंदरकांड के पाठ, रामायण दुर्गा सप्तशती के पाठ, ये सब परिवर्तन है। जो विस्मृत हो चुका उसको पुनर्जीवित करना, यह हो रहा है इस प्रदेश में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आरंभ देता हूँ। धन्यवाद मेरे इतने सुंदर आशीर्वाद के लिए। और आज ग्राम पंचायत बरौन में आपने अपना अमूल्य